सही गाइज, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हम धारचूला पहुंच चुके हैं। तो आज हमें मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे हमें निकलना है। तो हमें उठ चुके हैं अभी और मैं भाई के घर पे हूँ। निकलते हैं यहाँ से टाइम से। सो गाइज, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या है, चार्जर। इसको लेके निकलते हैं यहाँ से अभी, ठीक है। रात भर सो गए, आराम रेस्ट ले लिया, अब बहुत लॉन्ग राइड में चलना है गाइज, बने रहे वीडियो के साथ। चलो गाइज, मैं चल रहा हूँ यहाँ से नीचे। अरे पीछे कौन है, भूत है क्या पीछे? अरे भाई डरना मत भाई, अरे ये तो वही गधा है मेरे पीछे से। तो हम रोड में आ गए हैं, अब गाड़ी पकड़ते हैं हमारी छोटी सी नॉर्मल। ये कुत्ता पता नहीं क्या कर रहा है मेरी गाड़ी के पास, सुबह सुबह पता नहीं क्या करते हैं कुत्ते मेरी गाड़ी के पास, समझ में नहीं आता है। तो एक बार वॉक करें या चल दें? हाँ चलें फिर गाइस, नीचे चलते हैं दीदी के वहाँ, सामान वामान रखना है यार। सो गाइस, हम निकल रहे हैं धारचूला से और हमने बैग वैग रख दिया उस गाड़ी में, पहले तरफ गाड़ी में रख दिया। तो अब निकलते हैं हमें अभी गांधी चौक में, तो लॉन्ग राइड है अभी। गोगला में जाके टी पीएंगे मज़ेदार मस्त, ठीक है। तो बनी रही वीडियो के साथ। चलिए हम पहुँच गए हैं कालिका बैंड। तो कालिका बैंड इतना अच्छा है क्या बताऊँ, इतना यू बैंड है, पूरा यू बैंड यहाँ पे और पहाड़ से ऐसे लेके, और पास में इतनी अच्छी नदी है, वाह ऐसा लगा। तो चलते चलते ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहेंगे गाइस, अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना के, है ना गाइस। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। ये प्यारा सा सो गाइज, अभी सनराइज होना बाकी है तो हमें निकल जल्दी से जल्दी उगला और वहाँ पीनी कलर ठंडी चाय। चलिए वीडियो में बने रहिए, चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए अभी जौलजीबी, और जौलजीबी से हमको चढ़ाई चढ़ना है आप ओगला के लिए। तो वहाँ हम करेंगे टी ब्रेक, कड़क सी चाय पियेंगे, ठंडा बहुत हो रहा है और कोहरा लगा हुआ पूरे पहाड़ों में, दिखाता हूँ गाइज आप लोगों को। और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, और तो 1 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं फिलहाल। स्लोली चल रहे हैं धीरे धीरे, 40 की स्पीड है, ज़्यादा भी नहीं है, तो नॉर्मली है। तो अब मैं चिनमोंट में कैमरा लगाऊंगा और चलते हैं ओगला तक। सो गाइस चले अभी, तो मैं अभी जौलजीबी पहुंच चुका हूं। तो जौलजीबी से हम आगे निकलते हैं, और ठंडा इतना हो रहा है क्या बताऊं, पहाड़ों में बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। और राइड करने का मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि अंदर से मैंने हुड के अंदर में पेपर डाला हुआ है, पेपर तो चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। तो अभी हमें निकलना चाहिए टाइम टू टाइम। आगे से है हल्द्वानी के लिए हम लेफ़्ट लेंगे, क्योंकि आगे मुंशियारी जाने का रास्ता है, हिम्मतकोट मुंशियारी जाने का यहीं से रास्ता। तो हम अभी ब्रिज से चलते हैं, हम यहाँ पे पेट्रोल पंप है जौलजीबी के पास, तो आप यहाँ से पेट्रोल पंप भरा सकते हैं, पेट्रोल वेट्रोल जो भी भराना है। तो जौलजीबी से ओगला तक की चढ़ाई पूरी ऐसी चढ़ाई है, बैंड 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 हर जगह बैंड ही बैंड है पहाड़ में। भाई ये कौन सा ऑफ रोडिंग आ गया, ये बढ़िया ऑफ रोडिंग आ गई, बढ़िया बढ़िया। और हमेशा अपने साइड में चलना चाहिए पहाड़ में, अपोजिट साइड में चलना ही नहीं है, अपोजिट से गाड़ी आती है अपने साइड पे तो ठुकने का डर है। तो हमें हेडलाइट जला देना चाहिए, कोहरा लगा हुआ है, और सेफली चलना है जैसे चलना है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अरे भाई ठंडा हो रहा है, अरे ठंडा हो रहा है ठंडा। और इंडिकेटर भी जला दिए हैं, बस चल रहा हूँ मैं भी इंडिकेटर जलाता हूँ अपने लेफ्ट साइड का, जहाँ जिस साइड से मुझे चलना है बस उसी को जलाते हुए चलता हूँ। हल्का ही चल रहा हूँ,
आवाज़ कर रही गाड़ी, पावर चढ़ाए ना। तो अभी थोड़ा बहुत कोहरा हट गया, अभी तो यहाँ मौसम बनाना पड़ेगा, बहुत चढ़ाई चढ़ना है इसमें भाई। ठंडा क्या हो रहा है, गजब गजब गजब। क्यों भाई, देखो नज़ारा, वाह पहाड़ आओ घूमो कभी, रोड ट्रिप बाइक ट्रिप जो भी है। दिख नहीं रहा कुछ आगे, अब तो चढ़ाई भाई, इसमें मौसम तो बनाना ही पड़ेगा। अब दिख नहीं रहा कुछ, तो कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को हमारा ये पहाड़ के रोड, और फुल धुंध कोहरा पूरा लगा हुआ है बिल्कुल, थोड़ा आगे जाके दिख रहा है सब कुछ, और मैं पूरी हेडलाइट लगा के चल रहा हूँ, हेडलाइट जला के चल रहा हूँ, और पता नहीं आगे, ये देखो पता ही नहीं चल रहा गाड़ी आ रही है। तो अभी मैंने इंडिकेटर हटा दिया क्योंकि अभी थोड़ा कोहरा पास हो चुका है, तो इसको ओवरटेक करते हैं एक बार। गाइस थोड़ा ऐसा हो गया था ना, कैमरा धुंधला इसलिए आ रहा था, उसमें पाला पड़ गया था कैमरे के आगे, तो अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो अब हम सही समय पे, हमारे सनराइज़ भी हो गया और बढ़िया सा धूप आ गया यहाँ पे, अब थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, ऊपर से चाय पी लेंगे बढ़िया तरीके से, मज़ा आ जाएगा। टाइम से पहुँचेंगे भाई, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है हमें ब्रदर, बहुत दूर जाना है हमें। बस हम ओगला टच करने वाले गाइस, और कड़क से चाय पियेंगे दोनों भाई। ब्रदर क्या कर रहे हैं, सुन बर्फ़ी ले, बढ़िया सी फेमस है यहाँ की, ले लूँ? ठीक है आधा केजी लें, आधा केजी लेते हैं यार भाई, ठीक है आधा केजी बर्फ़ी दे दो मुझे। नहीं सही सही रेट बता रहे क्या, 400 रुपये आधा केजी दे दो फिर। खोया वाली कौन सी, वो वाली बर्फ़ी बोल रहे, नारियल वाली बोल रहा हूँ, खोया वाली नहीं। हाँ तो ऐसा बोलो ना फिर यार, वही नारियल वाली चाहिए, नारियल वाली तुम। हाँ मुझे करीबन वो दे दो नारियल आधा केजी, एक पीस मुझे देना टेस्ट करने के लिए। नारियल वाली बंद कर, कौन सी बर्फी दे रहा है तू, ये मत लेना यार भाई, ये घर में उसको शीला को पसंद है इसलिए ले जा रहा हूँ। ये अच्छी नहीं होती भाई, तो उसको अच्छी होती लगती है, तो मैं क्या करूँ बता, लो पकड़ खा छोटी सी, टेस्ट कर, टेस्ट कर ले मेरे भाई इसमें। अरे खाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा तेरा, खा ले भाई मेरे। आह चल खा ले भाई, ऐसा आदमी यार नहीं, मत खाया तो चाय पी तू चुपचाप से, चाय पी लेते हैं उसके बाद निकलते तुरंत यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे, और नाक धोने लगी है, उसकी माता सही हो जाएगा। दे रहा है ये, अच्छा बर्तन दो समोसे दो चाय आधा केजी बर्फ़ी नारियल वाली, नारियल वाली
बस भैया कैसे 200 रुपये हो गया कैसे? आधा केजी बर्फ़ी का 260 का है ना केजी? हाँ तो नारियल बर्फ़ी लिया 260 का है, आधा केजी ले रखा मैंने, 130 रुपये और दो चाय। वही वाला लिया, कहाँ दिखाओ सफ़ेद वाला। हाँ अच्छा हाँ तो 200 रुपये क्यों आटे फिर? चॉकलेट ले रहा है, 20 रुपये वापस ले ले, कुछ खा लेना घर में। तो नहीं है डेयरी मिल्क? नहीं है। डेयरी मिल्क है लेकिन कितने वाली? 20 वाली नहीं है। चल किटकैट दो दे दे, बहुत है, एक मैं ले लूँगा। ये लो हो गया। तो 200 में से बच गए 20 रुपये और किटकैट ले लो आप, किटकैट खाओ चलते बनाओ। करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैं पहुँच गया धनिया और अभी थोड़ा लंच करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो मौसम बढ़िया हो रखा है और टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे मैंने धनिया पहुँच गया, तो टाइम से पहुँच जाएंगे हम लोग। अभी हमें फैमिली रेस्टोरेंट के पास और ये नज़ारा है धनिया का। चलिए लंच वंच करते हैं, कड़ी चावल खाने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ धनिया कैसा लग रहा है आप लोगों को? फिर भी वीडियो हो गया, लंच हो गया, अभी चल रहे हैं यहाँ से जाके सर अल्मोड़ा हर जगह घूम के आते हैं। Thank you.
अगर सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी और हम तिकोनिया में हैं। तो गाइज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन ऑन, और बने रहिए ड्यूटी के साथ।